दोस्तों गोविंदा की बांजी और नेपोटिज्म मैटरियल होने की वजह से नहीं बल्कि 4000 बार रिजेक्शन, 10 साल तक ऑडिशंस की लंबी लंबी लाइनों का कठिन संघर्ष और 15 साल तक क्लासिकल सिंगर बनने की ट्रेनिंग के बाद सफलता की वो सीढ़ियां नजर आई जिसके बाद रागिनी खन्ना बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्रीज में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं जिसकी वह हकदार है। दोस्तों वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए इस वीडियो में हम आपको रागिनी खन्ना की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मगर उससे पहले अगर आप रागिनी के फैन हैं तो आप इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडलिंग की शौकीन 34 वर्षीय रागिनी ने चाइल्डहुड से जो भी सोचा वही करना शुरू किया और फिर अपनी औकात बदलने के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्विमिंग और बैडमिंटन में इन्वॉल्व रहने लगी, जो स्कूलिंग से ही एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स गर्ल बन गई। मगर बचपन से ही स्पोर्ट्स के साथ साथ रागिनी को डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए रागिनी ने 8 साल तक डांस की कठिन ट्रेनिंग ली जो अपने डांस को लेकर बहुत पैशनेट रही और टीनेज से उन्हें बेस्ट डांसर के अवार्ड मिलने लगे जो एक डांसर के तौर पर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। इसलिए रागिनी एक सपोर्ट्स गर्ल्स की बजाय एक ट्रेंड डांसर बन गई। रागिनी को विरासत में कुछ नहीं मिला मगर अपने दम पर सब कुछ हासिल करने की हिम्मत दिखाई और स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ब्रांड एंडोर्समेंट और फैशन शो में परफॉर्म करना स्टार्ट किया और अपनी माँ के प्रोडक्ट ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी एवं मिक्स एंड ड्रिंक की ब्रांड एम्बेसडर बन गई और लैक्मे फैशन में रैंप वॉक कर मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया जो उनकी लाइफ के सफलता के दरवाजे खोल गया। रागिनी ने वक्त की कदर करते हुए अपने टैलेंट और जुनून के साथ सीरियल राधा की बिटिया कुछ कर दिखाएगी से अपना टेलीविजन डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने सोनी टीवी के सीरियल भास्कर भारती में उन्हें भारती के करेक्टर में लीड रोल एक्टिंग करते देखा गया, जहां उन्होंने फैन फॉलोइंग गेन कर वो सब हासिल किया जिसे लाइफ में हासिल करने के लिए उन्होंने टारगेट सेट किया। तभी से ही उनकी पॉपुलैरिटी राइज पर है। दोस्तों रागिनी को ससुराल गेंदा फूल से हक पॉपुलैरिटी मिली जहां वह सुहाना के करेक्टर में नजर आई। सीरियल में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा रागिनी एक राइजिंग स्टार एक्ट्रेस हैं। सीरियल में उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड सहित 10 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके लिए रागिनी ने 16-16 घंटे सेट पर बिताए और अपने काम पर फोकस किया। तभी से उनका करियर भी राइज पर है, जिसके बाद रागिनी ने जब इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज शो को होस्ट किया तो उन्होंने अपने टैलेंट का एक नया अंदाज प्रेजेंट कर साबित किया कि वो टेलीविजन इंडस्ट्रीज की बेस्ट ना सही मगर बेहतरीन होस्ट जरूर है, जो आज भी होस्टिंग के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग की डेली प्रैक्टिस करती है। क्या वह सब कुछ भूल गई थी जिन्हें आज भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत है। दोस्तों छोटे पर्दे के साथ साथ रागिनी बॉलीवुड फिल्म 3 थे भाई में एक्टिंग करती हुई नजर आई, जिन्हें फिल्म गुड़गांव पोसम्पा और धूमकेतु मजहब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक्टिंग करते हुए देखा। तभी से रागिनी बॉलीवुड में भी डिमांडिंग एक्ट्रेस हैं। बिकॉज ऑफ रागिनी ने डिसाइड किया मुझे वो सब 10 साल में हासिल करना है जिसे हासिल करने के लिए लोग सारी उम्र लगे रहते हैं। दोस्तों ग्लैमर इंडस्ट्रीज में लोग अक्सर काम से ज्यादा समय मौज मस्ती, घूमने फिरने और डेटिंग में खर्च कर देते हैं, मगर रागिनी ने वही टाइम काम पर लगाया और अब मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन जैसल आर्य को डेट कर रही है। माना जाता है दोनों की मुलाकात एक शो के दौरान हुई और वहीं से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद अब उन्हें कोई ये नहीं कहता रागिनी गोविंदा की भांजी है और एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, जिन्होंने अपने फादर प्रवीण खन्ना के एक्सपायर होने के बाद तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उठाया और डे वन से ही अपनी माँ कामिनी खन्ना और भाई अमित को गौरवान्वित फील करवाया। बिकॉज ऑफ रागिनी ने स्टेप बाय स्टेप वो सब हासिल किया जिसकी वह हकदार है। तो फ्रेंड दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप रागिनी के फैन है तो आप इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस एक्ट्रेस पर देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।